एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस मॉड ऑफ एक्स प्लस वन। बच्चों मॉड 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 की डेफिनेशन पता है सभी को, मॉड एक्स की डेफिनेशन क्या होगी? मॉड एक्स को अगर रीडिफाइन करोगे तो क्या होगा? ये माइनस एक्स इफ एक्स इज लेस देन जीरो। मेरा पेन परीक्षित को बोलो मेरा वो वाला पेन दे। ठीक है, एक्स इफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ये मॉड एक्स की डेफिनेशन होती है। ठीक है, मॉड ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स इफ एक्स इज लेस देन जीरो एंड मॉड ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इफ एक्स, ये डेफिनेशन सबको पता है। प्रणव तो बैठा ही नहीं है। प्रणव? यस सर। बेटा आप दिखाई नहीं दे रहे हो। सर मैं अपना खाना खा रहा हूँ बस, फिर कैमरा नीचे कर लूंगा, ऐसे थोड़ा ऊपर कर रखा। ओके, माइनस ऑफ एक्स इफ एक्स इज लेस देन जीरो, एक्स इफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ये मॉड एक्स की डेफिनेशन होती है। हर बच्चे को पता है ये? यस सर। मॉड ऑफ एक्स माइनस वन की डेफिनेशन क्या होगी अगर इसको रीडिफाइन किया जाए तो? एक्स प्लस वन। x plus 1, all right. Mod of x plus 1, बताओ इसकी definition बताओ। Sir, minus x plus 1। minus of x plus 1 ऐसा कब होगा? When x plus 1 is less than 0, इस अंदर वाली term को बच्चों 0 से less रख के देख लिया होगा, right? और यहां से आएगा इफ एक्स इज लेस देन माइनस वन, यहां आप लिखेंगे इफ एक्स इज लेस देन माइनस वन। ठीक है, एंड दिस इज एक्स प्लस वन इफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस वन। सो मॉड एक्स अपनी डेफिनेशन जीरो पे चेंज करेगा। मॉड एक्स अपनी डेफिनेशन कहां चेंज करेगा? जीरो पे। माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी, मॉड एक्स अपनी डेफिनेशन चेंज कर रहा है जीरो पे। इसका मतलब क्या है? जीरो और जीरो के बाद, जीरो एंड जीरो के बाद मॉड एक्स की वैल्यू क्या होगी? प्लस ऑफ एक्स, राइट? यहां से एंड जीरो या जीरो से पहले सारे पॉइंट्स के लिए मॉड एक्स की वैल्यू क्या होगी? माइनस ऑफ एक्स। इसी टाइप से अगर आप मॉड ऑफ एक्स प्लस वन को देखते हैं, सो ये अपने डेफिनेशन चेंज कर रहा है माइनस वन पे। ठीक है, माइनस वन और उसके बाद मॉड ऑफ एक्स प्लस वन की डेफिनेशन क्या है? मॉड ऑफ एक्स प्लस वन इज एक्स प्लस वन, एंड इससे पहले, इस पॉइंट से पहले मॉड एक्स प्लस वन की वैल्यू क्या है? माइनस ऑफ एक्स प्लस वन। ठीक है, ये डेफिनेशंस होंगे बच्चों। हर बच्चे को आती है? क्लास इलेवंथ में आपने किया होगा कुछ ऐसा? Yes, ठीक है, अब अगर हम देखें माइनस वन से पहले दोनों फंक्शंस की डेफिनेशन क्या है, माइनस वन से पहले दोनों फंक्शंस की डेफिनेशन क्या है बताओ जरा। माइनस वन से पहले, जस्ट पहले ध्यान से देखो दोनों फंक्शंस की डेफिनेशन देखो। फॉर एक्स लेस देन माइनस वन बता सकते हो? और x लेस देन माइनस वन, माइनस वन से जस्ट पहले देखो बच्चों मॉड x की वैल्यू क्या है? माइनस ऑफ x। मॉड ऑफ x प्लस वन की वैल्यू क्या है? माइनस ऑफ x प्लस वन, राइट? अगर हम fx हमारा क्या था देखो ऊपर, x माइनस दिस। सो माइनस वन से पहले के लिए और x लेस देन माइनस वन हम fx की वैल्यू क्या लेंगे? fx की वैल्यू में जो मॉड एक्स है, मॉड एक्स की जगह तो रखेंगे माइनस ऑफ एक्स, मॉड एक्स की जगह क्या रखेंगे? माइनस ऑफ एक्स। माइनस में मॉड ऑफ एक्स प्लस वन की जगह क्या रखेंगे? क्योंकि देखो माइनस वन से पहले मॉड ऑफ एक्स प्लस वन की वैल्यू क्या है? माइनस ऑफ एक्स प्लस वन, राइट? तो माइनस में क्या रखा जाएगा यहां पर? माइनस ऑफ एक्स प्लस वन, तो ये प्लस हो जाएगा, करेक्ट? ये किस किस बच्चे को दोबारा पूछना है सर, एक बार फिर से बता दो बच्चों, ये वाला पार्ट समझ आया क्या? ये वाला पार्ट किसको समझ नहीं आया वो बताओ पहले मुझे।
ये वाला पार्ट सबको समझ आ गया? सर एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दो। मुझे एक बात नोटिस कर लो, अपना डाउट साथ के साथ बताया करो। अब मैं ये चीज समझा रहा था तब आपने ये क्यों नहीं पूछा सर ये मुझे समझ नहीं आया? सर आप पढ़ा रहे थे पहले इसलिए बीच में नहीं बोला। नहीं नहीं, आपको जहां जहां समझ नहीं आए वहीं रोको मुझे। ओके सर। मैं अगर ए लिखता हूं और आपको नहीं पता कि ए कहां से आया तो वहीं पर बीच में बोलो। अच्छा ये समझ नहीं आया आप, मैं ये समझा रहा हूं, और अगर मैं यहां ना पूछता तो आप तो यहां भी बैठे रहते कि ठीक है। मॉड एक्स की डेफिनेशन मैंने पूछा था किसको किसको आती है किसको नहीं आती है, मॉड एक्स की डेफिनेशन बताओ मुझे। सो माइनस एक्स इफ एक्स इज लेस देन जीरो एंड पॉजिटिव एक्स इफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। इफ एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, और ये डाउट किसका था? सही ये तो क्लियर है, मेरे को नंबर लाइन वाला समझा दो। मॉड ऑफ एक्स प्लस वन क्या है? सर वो भी समझ में आ गया। बताओ बताओ। माइनस ब्रैकेट में एक्स प्लस वन व्हेन इफ एक्स इज लेस देन माइनस वन एंड एक्स प्लस वन व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस वन। इक्वल ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस वन। यस। नंबर लाइन पे मैंने क्या लिखा है? नंबर लाइन पे मैंने ये लिखा है कि इफ एक्स इज लेस देन जीरो, ये जीरो हो गया। यस। एक्स अगर जीरो से लेस है तो मॉड एक्स की वैल्यू क्या है? माइनस एक्स। अगर एक्स जीरो या जीरो से बड़ा है तो मॉड एक्स की वैल्यू, एक्स अगर जीरो या जीरो से बड़ा है तो मॉड एक्स की वैल्यू क्या है? एक्स। ये तो लिखा है मैंने मॉड एक्स के लिए। एंड मॉड ऑफ एक्स प्लस वन अपनी डेफिनेशन कहाँ चेंज कर रहा है? नंबर लाइन पे तो वही लिखा है जो ऊपर डेफिनेशन में लिखा है, कहाँ पर चेंज कर रहा है? माइनस वन पे। ठीक है। माइनस वन पे, माइनस वन से पहले मॉड एक्स की वैल्यू बताओ जरा। सॉरी, माइनस वन से पहले मॉड ऑफ एक्स प्लस वन की वैल्यू बताओ। माइनस ब्रैकेट में एक्स प्लस वन। माइनस माइनस ब्रैकेट में एक्स प्लस वन। माइनस वन के बाद में इसकी वैल्यू बताओ क्या होगी? एक्स प्लस वन। एक्स प्लस वन जो ऊपर डेफिनेशन लिखी है वही नंबर लाइन पे लिखी है। सर ये जो माइनस वाला है उसमें ओपन इंटरवल है या वो क्लोज्ड? माइनस एक्स प्लस वन जो ब्रैकेट में, जहां पर इक्वल टू नहीं होता उस साइड क्लोज ओपन होता है, जहां पर इक्वल टू नहीं लगा होता, इक्वल टू नहीं लगा होता वहां ओपन होता है, और जहां पर इक्वल टू लगा होता है वहां क्लोज होता है। ओके सर। ठीक है। अब देखो माइनस वन से पहले, माइनस वन से पहले मॉड एक्स की डेफिनेशन, फंक्शन हमारा क्या है? फंक्शन हमारा है मॉड ऑफ एक्स माइनस मॉड ऑफ एक्स प्लस वन। ठीक है। माइनस वन से पहले और एक्स लेस देन माइनस वन, यहां से पहले, इस पॉइंट से पहले, इस पॉइंट से पहले मॉड एक्स की वैल्यू क्या है? इस पॉइंट से लेफ्ट हैंड साइड में, इस पॉइंट से पहले माइनस एक्स, मॉड एक्स की वैल्यू क्या है? माइनस एक्स। बीच में माइनस था, x प्लस वन की वैल्यू क्या है? मॉड x प्लस वन की वैल्यू क्या है? सर माइनस ब्रैकेट में x प्लस वन। तो माइनस माइनस दोनों प्लस हो जाएंगे, x प्लस वन। ठीक है। उसके बाद माइनस वन और जीरो के बीच में बताओ, माइनस वन और जीरो के बीच में मॉड x की वैल्यू बताओ क्या है? माइनस वन इज लेस देन x लेस देन जीरो, मॉड x माइनस ऑफ x। ठीक है। माइनस में x प्लस वन, एक्स प्लस वन, एक्स प्लस वन। ठीक है। उसके बाद जीरो के बाद, देन जीरो के बाद, इस पॉइंट के बाद एक्स पॉजिटिव एक्स, इसके बाद मॉड एक्स की वैल्यू क्या है? पॉजिटिव एक्स, और मॉड ऑफ एक्स प्लस वन की वैल्यू क्या है? एक्स प्लस वन। ठीक है। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करो, लिखो, मेरे पास यहाँ थोड़ा पेज नहीं है तो मैं यहीं पर लिख देता हूँ। ये फर्दर सिंप्लीफाई होके क्या हो जाएगा? इसको ओपन करोगे तो आप क्या हो जाएगा? एक्स एक्स कैंसिल हो जाएंगे, वन आएगा। वन।
ठीक है, और उधर वन करोगे वन माइनस टू एक्स, एक्स एक्स और माइनस टू एक्स हो गया, माइनस ऑफ टू एक्स हो गया, माइनस में क्या आएगा वन। यस सर। ऑल राइट, और ये क्या हो जाएगा, एक्स एक्स जीरो हो जाएगा, माइनस में वन। समझ आया किसी और बच्चे को तो डाउट नहीं इसमें? ठीक है, आज कौन कौन एब्सेंट है, काफी सारे बच्चे एब्सेंट हैं। सो वन टू एक्स माइनस वन और माइनस वन, ठीक है, तीन वैल्यू हमारे पास आई है। वन वैल्यू कब होगी, वेन एक्स इज लेस देन माइनस वन। माइनस ऑफ टू एक्स माइनस वन कब होगा, जब एक्स माइनस वन से जीरो के बीच में है, और माइनस वन कब होगा, वेन एक्स जीरो से बड़ा है। क्लियर है ये सबको? यस सर। देखो जरा, अब तो इस फंक्शन को हम कैसे लिख सकते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू वन इफ एक्स इज लेस देन माइनस वन, माइनस ऑफ टू एक्स माइनस वन ये कब है, माइनस वन इज लेस देन एक्स लेस देन जीरो, एंड वन माइनस वन कब होगा, इफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ये बच्चे ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल वाली जो बात थी, यहां पर एक्स लेस देन माइनस वन है, ठीक है, इट मीन्स एक्स कहां से कहां तक है, माइनस इंफिनिटी से माइनस वन, लेकिन माइनस वन के इक्वल नहीं है। तो अगर आप इसको इंटरवल की फॉर्म में लिखोगे तो कैसे लिखोगे, कि एक्स कहां पर बिलोंग कर रहा है, माइनस इंफिनिटी से माइनस वन ओपन इंटरवल। इसके लिए इक्वल टू वन की साइड पे लगा हुआ है। तो अगर आप इसको इंटरवल की फॉर्म में, यहां पर इंटरवल की फॉर्म में नहीं लिखते हैं, ध्यान रखना इस बात का, यहां पर इनइक्वलिटी की फॉर्म में ही लिखना है, ठीक है। अच्छा, इसको अगर हम इंटरवल की फॉर्म में चेंज करें तो क्या होगा, ये माइनस वन की साइड से क्लोज होगा और जीरो की साइड से ओपन होगा। यहां पर लिखा हुआ है एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, सो इसमें आप लिखेंगे एक्स आपका कहां बिलोंग करेगा, जीरो या जीरो से बड़ा, जीरो की साइड से क्लोज, इन्फिनिटी की साइड से ओपन। अगर आप इनइक्वलिटीज को इंटरवल की फॉर्म में चेंज करते हैं तो ये इनइक्वलिटी इंटरवल ये बनेंगे, ठीक है। अब ये क्वेश्चन बाकी क्वेश्चंस की तरह ही बन गया, अब आप इसको इसकी कंटिन्यूटी डिस्कस कर सकते हो, ठीक है। श्रेयांश समझ आया ये? यस सर, क्लियर है। आगे का पार्ट बच्चों आपको खुद से करना है, जो नॉर्मली हम बाकी क्वेश्चंस में करते हैं, ठीक है। एल एच एल आर एच एल कहाँ कहाँ फाइंड करनी है। चलो बच्चों, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पे आ जाओ। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में कितने क्वेश्चन होंगे, जरा एक बार दोबारा बताओ। क्वेश्चन 10 तक। क्वेश्चन 10 फर्स्ट एक्सरसाइज। ये यस सर। ओके, क्वेश्चन 11 देखो जरा, क्या है क्वेश्चन 11 में। ए पार्टिकल मूव अलोंग द कर्व y 6y = x2 + 2। पार्टिकल कहां मूव कर रहा है, पार्टिकल मूव अलोंग द कर्व 6y is equal to x cube plus 2। ये कोई कर्व है, हमें नहीं पता इसकी शेप कैसी है, ठीक है, मान लो कैसी भी शेप हो मैटर नहीं करता, ठीक है। पार्टिकल इस कर्व के अलोंग मूव कर रहा है। फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व एट विच y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग एज फास्ट एज x कोऑर्डिनेट। इस कर्व के किसी भी पॉइंट पे x कोऑर्डिनेट किसी अलग रेट से चेंज कर रहा है, y कोऑर्डिनेट किसी अलग रेट से चेंज कर रहा है। हमें कर्व के ऊपर एक ऐसा पॉइंट फाइंड करना है जहां पर रेट ऑफ चेंज ऑफ x कोऑर्डिनेट, सॉरी रेट ऑफ चेंज ऑफ y कोऑर्डिनेट dy by dt किसके इक्वल हो, a टाइम ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ x कोऑर्डिनेट। क्वेश्चन क्लियर हुआ बच्चों? यस सर। सबको क्लियर है? क्रिश यस। कैसे yes, करेंगे? देखो बच्चों, इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं 6 इंटू डी वाई बाई डी एक्स, 6 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x x क्यूब का डेरिवेटिव हो जाएगा 3x2। अच्छा, इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, इसको t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे,
क्योंकि दोनों कोऑर्डिनेट टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहे हैं, तो यहाँ dy by dt होगा, दिस इज इक्वल टू 3x स्क्वायर, x का डेरिवेटिव क्या होगा dx by dt, ठीक है बच्चों। अब क्वेश्चन में कंडीशन दी है, क्वेश्चन में कंडीशन है कि dy by dt इज इक्वल टू a टाइम ऑफ dx by dt, इस कंडीशन पे x और y कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे वो हमें फाइंड करने हैं, तो ये कंडीशन हम इसमें अप्लाई कर देते हैं, 6 इंटू dy by dt को हम रिप्लेस कर देते हैं 8 इंटू dx by dt, 8 इंटू dx by dt, ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था, दैट इज इक्वल टू 3x स्क्वायर इंटू dx by dt, ठीक है यस सर, dx by dt कैंसिल हो गया, yes, sir. 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 48, x स्क्वायर इज इक्वल टू 16, x क्या आएगा बच्चों प्लस माइनस 4, इस कर्व पे एक ऐसा पॉइंट जहां पर रेट ऑफ चेंज ऑफ y कोऑर्डिनेट किसके इक्वल है 8 टाइम ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ x कोऑर्डिनेट, ठीक है, उस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट होगा प्लस माइनस 4, रिया सेकंड पॉइंट कैसे निकलेगा, देखो बच्चों ये x इज इक्वल टू, ये पॉइंट कहां पर है, कर्व के ऊपर है ना, और कर्व का एक x कोऑर्डिनेट 4 आया है तो, और एक x कोऑर्डिनेट -4 आया है, अब ये पॉइंट है तो कर्व के ऊपर ना, तो x इज इक्वल टू 4 कर्व में डालेंगे तो y अपने आप आ जाएगा, इसी टाइप से -4 डालेंगे तब भी y आ जाएगा, तो एट x इज इक्वल टू 4 y की वैल्यू क्या होगी बच्चों, 6y इज इक्वल टू 4q+2, x कर्व की इक्वेशन जो इक्वेशन नंबर 1 है उसमें आप x की वैल्यू डाल दो, y इज इक्वल टू 4 का क्यूब क्या हो गया 64 प्लस 2, और ये 6 नीचे आ जाएगा 66 अपॉन 6 दैट इज 11, यानी कि पॉइंट आ गया हमारे पास 4, 11, किस किस बच्चों क्लियर है ये, सर क्लियर है, क्लियर है, यस सर क्लियर है, चलो बच्चों एट x इज इक्वल टू -4 y कोऑर्डिनेट निकालो फिर से, नेगेटिव 31/3, तो पॉइंट आपका क्या बनेगा बी पॉइंट 4, -31/3 -4, अच्छा बच्चों -4 डालना है, सॉरी मैंने 4 लिख दिया, चेक करो बच्चों यही आ रहा है क्या, नीचे चला जाएगा बेटा 31 नहीं तो आ रहा है रिया, 31/3 आ रहा रिया, चेक करो बेटा मिस्टेक चेक करो, हो गया गुड। तो इस कर्व पे दो पॉइंट ऐसे हैं बच्चों जहां पर रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई कोऑर्डिनेट किसके बराबर है 8 टाइम ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट, क्लियर है, यस सर, सॉरी। अच्छा बच्चों 12th क्वेश्चन रीड करो जरा, क्या है 12th क्वेश्चन में, एन एयर बबल इज इंक्रीजिंग, एयर बबल किस शेप का होता है बच्चों, स्फेरिकल एयर बबल, ये एयर बबल का रेडियस हो गया आर, ठीक है, इसका वॉल्यूम अज्यूम कर लेते हैं वी, अब ये कहता है एयर बबल इज इंक्रीजिंग, रेडियस ऑफ एयर बबल, रेडियस ऑफ एयर बबल इज इंक्रीजिंग, क्या इंक्रीज कर रहा है, रेडियस इंक्रीज कर रहा है, किस रेट से इंक्रीज कर रहा है, हाफ सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो ये क्या है हाफ सेंटीमीटर, सर टाइम, ये हाफ सेंटीमीटर पर सेकेंड क्या है बच्चों, सर टाइम, सर dr अपॉन dt,
हाँ बेटा, ये है रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस। रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस को लिखा जाता है रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस डीआर, किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में, डीटी। तो ये डीआर बाय डीटी है, डीआर बाय डीटी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस होता है, ठीक है। ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन में लिखा है ना कि रेडियस ऑफ एयर बबल इज इंक्रीजिंग, रेडियस इंक्रीज कर रहा है, इट मीन्स रेडियस चेंज हो रहा है, सो दिस इज डी आर बाई डी टी, दैट इज हाफ सेंटीमीटर पर सेकेंड। रेडियस किस रेट से चेंज हो रहा है? हाफ सेंटीमीटर पर सेकेंड के रेट से चेंज हो रहा है, ठीक है। सर क्या मेरा फाइंड आंसर करना है? 2 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड आया। निकाल दिया, गुड। एट व्हाट रेट द वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग, वॉल्यूम किस रेट से चेंज होगा? बच्चों रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस दिया है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम फाइंड करना है, मतलब आपको डीवी बाई डी टी फाइंड करना है। इसके लिए आपको वॉल्यूम और रेडियस में एक रिलेशन लिखना पड़ेगा, और वॉल्यूम और रेडियस में क्या रिलेशन होता है? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 4/3 पाई आर, ठीक है। अब अगर इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे? टाइम, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टी, टाइम। तो डी वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज क्या किससे डिनोट करेंगे हम? डीवी बाई डी टी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विल बी डिनोटेड बाई डीवी बाई डी टी इज इक्वल टू 4/3, पाई कॉन्स्टेंट है, डिफरेंशिएशन किसका होगा? आर क्यूब का डिफरेंशिएशन। जनाब आर क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होगा बताओ टी के रिस्पेक्ट में? सर 3R² होना चाहिए वैसे, अगर डिफरेंशिएट करोगे तो। सर DR/3R² होगा, 3R² जब होगा जब रेडियस के रिस्पेक्ट में, आर के रिस्पेक्ट में ही करेंगे, ठीक है। अब आर को हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं टाइम के रिस्पेक्ट में, तो पावर आगे आ गई, पावर एक कम हो गई, फिर पावर के नीचे जो फंक्शन है उसका अलग से डेरिवेटिव भी होता है, DR/dt, जैसे वाई का होता है ना DY/dx, इनटू आएगा DR/dt। क्वेश्चन में हमें DR/dt की वैल्यू गिवन है। एक दूसरी चीज इन्होंने बोला है कि व्हेन रेडियस इज इक्वल टू, आपको DV/dt कब फाइंड करना है? व्हेन रेडियस इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, तो रेडियस को आप 1 डाल देंगे, ठीक है। 3 से 3 तो कैंसिल वैसे ही हो जाएगा, 4π, रेडियस को आप 1 डाल देंगे, DR/dt आपको हाफ दिया हुआ है। कर दो बच्चों के कैलकुलेट कर दो कितना आता है, 2π, 2π आ रहा है, यस। अच्छा किसका रेट ऑफ चेंज है ये सर? DV/dt, वॉल्यूम DV/dt, तो क्या होना चाहिए ये? सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, ठीक है, ये होना चाहिए। क्लियर है हर बच्चे को? यस सर। सर ये क्लास, सर ये क्लास 9 o'clock तक हुई है, फिर 9:30? बेटा वैसे तो 9:15 होनी, 9:15 तो एटलीस्ट होनी चाहिए। हाँ सर मैं से पूछ रहा हूँ, 9:15 तक तो करेंगे ही बेटा, ठीक है, ठीक है। 13 क्वेश्चन पे आ जाओ जरा। ए बैलून विच ऑलवेज रिमेन स्फेरिकल हैज ए वेरिएबल डायमीटर, फिर से वैसा ही क्वेश्चन है बच्चों, बैलून, ठीक है, बैलून स्फेरिकल होता है, वेरिएबल डायमीटर, इसका डायमीटर दिया हुआ है, डायमीटर कितना है सर? 3/2, 2x+1, 3/2, 2x+1, गुड। रेडियस क्या हो जाएगा सर उसका? हाफ, 3/4, 2x+1, ठीक है। ए बैलून विच ऑलवेज रिमेन स्फेरिकल हैज ए वेरिएबल डायमीटर, ठीक है, फाइंड रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम फाइंड करना आपको। वॉल्यूम कितना होता है बच्चों? स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 पाई रेडियस का क्यूब, तो रेडियस की जगह क्या रखेंगे यहाँ पर? 3/4 × 2x+1³। ये हर बच्चे को क्लियर हुआ कि रेडियस की जगह क्या रखना है? यस सर, 4/3 π × 3/4 2x+1³। पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सो इट इज 4/3 π × 27/64 × 2x+1³। यहाँ तक किसी बच्चे को प्रॉब्लम? नो सर। श्रेयांस? नो सर, नो प्रॉब्लम। अच्छा इसको आगे कैसे करेंगे, कौन बताएगा? सर a+b² मतलब क्यूब आइडेंटिटी। नहीं बेटा, आइडेंटिटी खोलने की जरूरत नहीं है, हमें जस्ट डिफरेंशिएशन करना है,
ठीक है। अच्छा क्वेश्चन में ये बोला है फाइंड रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू एक्स, आपको डीवी अपॉन रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम यानी कि डीवी किसके रिस्पेक्ट में फाइंड करना है, डीवी अपॉन डीएक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, तो आपको डीवी अपॉन डीएक्स फाइंड करना होगा, ठीक है। सो डीवी अपॉन डीएक्स क्या होगा, 4 अपॉन 3 इंटू 27/64 पाई। अब इसका डेरिवेटिव करो, क्या होगा इसका डेरिवेटिव, आता है डेरिवेटिव तो आप सबको आता है, ठीक है, यही होना चाहिए। यस सर, यस सर। अब कुछ कट होता है तो कट कर दो बच्चों, पर वो पूरा अच्छा नहीं। सो डीवी बाय डीएक्स क्या आ गया सर, मेरा आंसर आ गया 27 अपॉन 8 पाई 2x प्लस 1 स्क्वायर। गुड, वेरी गुड। डीवी अपॉन, और इसकी यूनिट क्या होगी श्रेयांश सर, सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है, सेंटीमीटर क्यूब, किसके रिस्पेक्ट में है, एक्स के में, है ना, और एक्स क्या था, रेडियस में था एक्स, तो रेडियस की यूनिट तो फिर सेंटीमीटर में ही होगी। ओके सर, है ना, तो सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। पाई कैसे काट काटा फ्रॉम डीवी बाय डी, क्या बेटा सर, पाई भी है आंसर में 27। अच्छा पाई रह गया, पाई रह गया, ये छूट गया पाई, बच्चों पाई लगाओ यहाँ पर, चलें आगे। यस सर, 14th क्वेश्चन कौन बताएगा, पहले सब क्वेश्चन एक पर 14th क्वेश्चन रीड कर लो सब, एक बार 14th क्वेश्चन रीड कर लो। सैंड इज पोरिंग फ्रॉम ए पाइप एट ए रेट ऑफ 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, रिया ये 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड क्या है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम, रेट ऑफ 12 सेंटीमीटर, सैंड पाइप से सैंड किस रेट से बाहर आ रहा है, यहां से जो सैंड बाहर आ रहा है दैट इज बाय ए रेट ऑफ 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। आयशी, यस सर, लेट हो गए बेटा, यस सर सॉरी मैं सो गई थी, तो सो गए थे, अरे फिर तो हमें पता थे, हमें जगा देते, मुझे तो लगा शायद आपने कर लिया होगा इसलिए नहीं आए आप। नहीं नहीं सर, मैंने अभी आप अभी मैट्रिसेस चल रहा है स्कूल में। देखो बच्चों जरा, इससे सैंड जो पाइप से बाहर आ रहा है वो किस रेट से बाहर आ रहा है, 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। अच्छा ये सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड किसकी यूनिट होती है सर, डीवी वॉल्यूम, डीवी बाय वॉल्यूम सर, डीवी बाय डीटी, सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम की होती है, पर सेकंड है, इसका मतलब ये रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम है डी, और वो भी टाइम के रिस्पेक्ट में है, डीवी बाय डीटी, इट मींस डीवी बाय डीटी इज 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। बच्चों वैसे भी सैंड जब पाइप से बाहर आएगा तो सैंड का कोई वॉल्यूम होगा, और जिस रेट से सैंड बाहर आ रहा है इट मींस रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम है वो, ठीक है, डीवी बाई डी टी 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, ये हमें गिवन है। अब जो सैंड ग्राउंड पे गिर रहा है वो एक कोन बना रहा है, एंड कोन भी कुछ इस टाइप का बन रहा है कि जो कोन की हाइट है और रेडियस है वहां पर एक रिलेशनशिप है उनके बीच में, हाइट इज ऑलवेज 1/6 ऑफ द बेस रेडियस, ये एक रिलेशन है उनके बीच में, जो कौन बन रहा है कौन की हाइट एंड कौन के रेडियस के बीच में एक रिलेशन है कि हाइट विल बी ऑलवेज 1/6 ऑफ द रेडियस। दो इंफॉर्मेशन हमें गिवन है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम गिवन है एंड एक ये वॉल्यूम इंफॉर्मेशन गिवन है। फाइंड क्या करना हमें, हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ सैंड कॉन इंक्रीजिंग, हाइट किस रेट से चेंज होगी, हाइट किस रेट से चेंज होगी, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट बच्चों, क्योंकि ये वॉल्यूम टाइम के रिस्पेक्ट में दिया है और हमसे क्वेश्चन में कुछ नहीं पूछा कि किसके रिस्पेक्ट में फाइंड करें, तो अंडरस्टूड है कि हमें हाइट भी टाइम के रिस्पेक्ट में ही फाइंड करनी है, रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट हमें टाइम के रिस्पेक्ट में ही फाइंड करना है, यानी कि हमें डीएच बाई डी टी फाइंड करना है, ठीक है, क्लियर है यार बच्चे को। बच्चों गिवन है रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम, गिवन है रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम, फाइंड करना है डीवी बाई डी एच बाई डी टी, तो इनके बीच में एक रिलेशनशिप हमें लिखना होगा, जो रिलेशनशिप इनके बीच में होता है वो हमें लिखना होगा,
अब हाइट और वॉल्यूम के बीच में क्या रिलेशन होता है क्रिश? क्रिश हाइट और वॉल्यूम के बीच में क्या रिलेशन होता है? क्रिश नहीं पता? याद नहीं। हाइट और वॉल्यूम के बीच में बच्चों, वॉल्यूम इज इक्वल टू कौन की हाइट कितनी होती है, कौन का वॉल्यूम कितना होता है, 1/3 πr² h। यस, ये रिलेशन होता है, ठीक है। वॉल्यूम इज 1/3 πr² h। बच्चों अगर इसको डिफरेंशिएट करोगे, क्या हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं? नहीं सर, एक वेरिएबल में लाना होगा ना। यस, यहाँ पर दो वेरिएबल है। अगर आपको आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो आपका यहाँ पर dr/dt भी आ जाएगा और dh/dt आएगा, और क्योंकि दोनों टाइम के साथ रेडियस और हाइट दोनों चेंज हो रहे हैं, ठीक है। तो दोनों वेरिएबल है, हाइट और रेडियस दोनों वेरिएबल है। इसको डिफरेंशिएट करने के लिए आपको प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। वो तो ठीक है, प्रोडक्ट रूल तो हम लगा लेंगे, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट फाइंड करना है, dh/dt फाइंड करना है। और अगर इस क्वेश्चन में dr/dt आ गया तो उसकी वैल्यू हम कहां से डालेंगे? वो सर, तो r को हम लोग h से रिप्लेस कर देंगे, 6h हो जाएगा। तो फिर उसके लिए जो ये गिवन रिलेशन है वो हम यूज करेंगे कि हाइट इज 1/6 द वेब बेस रेडियस, तो r की वैल्यू हम यहां से एलिमिनेट कर देंगे, r विल बी 6h। बिल्कुल ठीक है ये कि हम r को एलिमिनेट कर देंगे 6h। सो वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 πr² की वैल्यू रखेंगे आप 6h, तो ये हो जाएगा 36h² इनटू में 1h आपके पास पहले से है। सो फाइनली योर वॉल्यूम इज 36 से इसको कट कर दें, 12 πh³। देखना बच्चों, मैंने कुछ छोड़ तो नहीं दिया, 12 πh³ ये बन गया वॉल्यूम इज दिस, ठीक है। एंड अब हम इसको किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे? कनव टाइम के रिस्पेक्ट, h नहीं बेटा, टाइम के रिस्पेक्ट में। कनव तनाव, तनाव सर हम ये रोल लिया, मैं लिखा 12 πh³। कैमरा ऑन करो बेटा, हाँ बच्चों कैमरा आपका खराब है तो भी आप ऑन करके रखो, अच्छा है तो भी कैमरा ऑन रखना है सबको, ठीक है। 12 πh³, एच क्यूब होगा 3h² × dh/dt, है ना बच्चों? बच्चे तो बच्चे ही होते हैं ना, थोड़े केयरलेस तो हो ही सकते हैं, है ना, ना चाहते हुए भी, ना चाहते हुए भी बच्चे भी नहीं चाह रहे कि हम केयरलेस रहें, पर फिर भी थोड़ा सा बच्चे ही होते हैं, तो थोड़ा कैमरा ऑन रहेगा तो थोड़ा प्रेशर रहेगा, सर देख रहे हैं, है ना? यस सर। हाँ तो क्या हो गया बच्चों, ये 36 πh² × dh/dt। क्या सारी वैल्यूज है हमारे पास? dv/dt तो है 12, क्योंकि सैंड्स जो बाहर आ रहा है पाइप से वो 12 cm³ के रेट से आ रहा है, तो ये हो गया 12। सर आंसर आ गया 1/48 πcm/s। हाँ, और क्वेश्चन में बोला है बच्चों व्हेन हाइट इज इक्वल टू 4, क्वेश्चन में यही बोला है ना शायद? यस सर। तो हाइट की जगह 4 डाल देंगे, 16 हो जाएगा × dh/dt। जल्दी से बच्चों बाकी बच्चे भी निकाल दो, मेरी तो स्पीड थोड़ी स्लो है, आप फटाफट कर दिया करो। dh/dt 12/36 πx/16, तो 12 से 36 कट हो जाएगा, 1/3 आएगा, 3 16 से मल्टीप्लाई होगा 48 πx। क्या सब बच्चों का यहाँ तक हो गया? क्रिश प्रॉब्लम बेटा? नहीं सर, कर रहा हूँ। कनाव हो गया यहाँ तक? हाँ सर हो गया। इसकी यूनिट क्या होगी? dh/dt है, हाइट का रेट ऑफ चेंज है सेंटीमीटर, किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में है, सो सेकंड, सेंटीमीटर पर सेकंड, 1/48 πcm/s, क्लियर है? सर 15 कैसे करेंगे? हाँ 15 पे भी आते हैं बेटा। सबका हो गया बच्चों ये? कोई बच्चा ऐसा है जिसका रहता है? चलो
आई होप कि सबका हो गया होगा। 15th क्वेश्चन बच्चे, टोटल कॉस्ट इन रुपीज, CX गिवन है हमें, CX टोटल कॉस्ट गिवन है हमें, टोटल कॉस्ट इज 0.007x³ माइनस 0.003x² प्लस 15x प्लस 4000, यही है क्या ना, यही है बच्चों? यस सर। ये कहता है टोटल कॉस्ट इन रुपीज एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ एक्स यूनिट्स की कॉस्ट हमें गिवन है, ठीक है। आई थिंक ये तो क्वेश्चन आप बिल्कुल आपके उसी तरह का अकाउंट्स का, टोटल कॉस्ट गिवन है, फाइंड मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट फाइंड करनी है व्हेन 17 यूनिट्स आर प्रोड्यूस। किस बच्चे को आता है ये क्वेश्चन? आयशी, इज इट चेंज इन टोटल यूनिट्स अपॉन क्वांटिटी? अच्छा, मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है, कौन बताएगा मुझे? सर गेट पे कोई एडिशन टू टोटल कॉस्ट, क्या आ जाऊं एक सेकंड? क्या बेटा किशा, क्या कह रहे हो? आप मुझे मार्जिनल कॉस्ट के बारे में कुछ भी बता देंगे ना, सब सही होगा। क्यों सही होगा? क्योंकि मुझे ही नहीं पता मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है। मैं ये जानता हूँ मार्जिनल कॉस्ट कैसे फाइंड करते हैं, मार्जिनल कॉस्ट कैसे फाइंड करते हैं मुझे ये पता है, क्योंकि मैं कॉमर्स स्टूडेंट नहीं था, मेरे पास पीसीएम था तो मुझे कॉमर्स का पता ही नहीं। तो मार्जिनल कॉस्ट में तो बच्चों आप जो बता दोगे ना सब सही होगा, बट कैसे फाइंड करते हैं? कॉस्ट फंक्शन अगर आपको गिवन हो बच्चों, तो कॉस्ट फंक्शन का जो डेरिवेटिव होता है, दैट इज मार्जिनल कॉस्ट। लिख लो बच्चों, आपको डेरिवेटिव ऑफ कॉस्ट फंक्शन इज मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है। एंड बच्चों रेवेन्यू का जो डेरिवेटिव होता है, दैट इज मार्जिनल रेवेन्यू। अब बच्चों ये मुझे नहीं पता कि मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है और मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है। रेवेन्यू पता है, कॉस्ट पता है, बट मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट का मुझे नहीं पता, ठीक है। बट हाउ टू फाइंड, इफ कॉस्ट फंक्शन इज गिवन, then derivative of cost function will give you marginal cost and derivative of revenue function will give you marginal revenue, ठीक है। cost function का derivative हमें marginal cost देगा and revenue function का derivative हमें marginal revenue देगा। so बच्चों you need to find dx upon dc upon dx, you will differentiate it with respect to x, ठीक है। अगर हम इसको differentiate करेंगे तो 3 आगे आ जाएगा, 0.007 इंटू 3x² माइनस 0.003 इंटू 2x प्लस में 15, दिस इज योर मार्जिनल कॉस्ट, राइट। ये आपकी मार्जिनल कॉस्ट है एंड आपको मार्जिनल कॉस्ट फाइंड करनी है व्हेन x इज इक्वल टू 7, सो यू विल फाइंड dc अपॉन dx when x is equal to 7, so 0 कर दो बच्चों, मल्टीप्लाई कर दो जरा और जल्दी से फाइंड कर दो, ये क्या है, x को आपको 7 डालना है, तो ये 7 3 जा क्या हो गया, 21 हो गया, 21 और 3 into x को आप 7 डालेंगे तो 49 हो जाएगा, माइनस 3 to the 6, x को आपको डालना है 7 प्लस 15। बच्चों कर लोगे कैलकुलेशन, छोड़ दूं मैं? सर हो गया ऑलमोस्ट, एक से चलो कर दो, फिर कंप्लीट कर दो।
सर हाँ बेटा सर आंसर 15.6783 आ रहा है यस सर वही है 15.6783 एक मिनट बेटा चेक कर लेता हूँ मैं बुक से कौन सी एक्सरसाइज हमारी है 6.1 कितना आया बेटा क्या आंसर आया बेटा मेरा 15.6783 15.6783 यहाँ तो कुछ और ही आंसर दिया हुआ इन्होंने सर मेरा 15.6 अच्छा बच्चे आंसर में ना थोड़ा सा क्या है कि हाँ आंसर थोड़ा सा गलत हमारा इसलिए आ रहा है क्योंकि उन्होंने हमने x को 7 डाल लिया और वहां पर 17 दिया हुआ था एक्चुअली ना x is equal to 7 ये नीचे वाले क्वेश्चन का था ओ हाँ हमारे क्वेश्चन में ना x is equal to 17 इसलिए थोड़ा आंसर डिफर आ रहा है ठीक है मैंने नीचे वाला रीड कर लिया x is equal to 7 कोई बात नहीं आपको जस्ट मेथड सही आना चाहिए कि आपका मेथड क्या है सो कॉस्ट से अगर आप कॉस्ट फंक्शन फाइंड करेंगे अभी आपका आंसर क्या है 15.673 चलो कोई नहीं 15.673 एंड ये क्या है बच्चों मार्जिनल कॉस्ट है तो मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है रुपीज में आएगी कॉस्ट है तो रुपीज में आएगी इसकी कॉस्ट इसकी यूनिट होगी रुपीज ठीक है मार्जिनल कॉस्ट है मार्जिनल कॉस्ट कॉस्ट का डेरिवेटिव होता है राइट एंड सिंस इट इज कॉस्ट तो ये क्या होगा इसकी यूनिट क्या होगी रुपीज में होगी 16th क्वेश्चन पे आ जाओ बच्चों जरा देखो 16th में आपको क्या फाइंड करना है टोटल रेवेन्यू इन रुपीज आपको रेवेन्यू फंक्शन फाइंड करना है रुपीज में फाइंड करना है रेवेन्यू फंक्शन आपको क्वेश्चन में गिवन है रेवेन्यू ऑफ एक्स यूनिट से जो रेवेन्यू क्रिएट हुआ है That is 13x² plus 26x plus 15. ठीक है सो रेवेन्यू फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हमें क्या मिलता है रेवेन्यू का डेरिवेटिव क्या होता है मार्जिनल रेवेन्यू डेरिवेटिव ऑफ रेवेन्यू इज मार्जिनल रेवेन्यू तो हम इसको जस्ट डिफ्रेंशिएट करेंगे dr अपॉन dx विद रिस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएट करेंगे रेवेन्यू ये गिवन है हमें तो dr अपॉन dx कितना आएगा बच्चों कॉमन ले लिया जाए ये बचेगा एक्स प्लस वन और एक्स को हमने डाल दिया सेवन ठीक है सर 208 208 और ये किसमें होगा रुपीज में होगा मार्जिनल रेवेन्यू भी रुपीज में होगा मार्जिनल रेवेन्यू इज ए रेवेन्यू टाइप का फंक्शन है कॉस्ट और रेवेन्यू टाइप का फंक्शन है तो फिर क्या होगा ये रुपीज में होगा ठीक है क्लियर हुआ हर बच्चे को ये याद रहेगा कि कॉस्ट का फंक्शन डेरिवेटिव कॉस्ट डीसी अपॉन डीएक्स क्या होता है मार्जिनल कॉस्ट एंड डीआर अपॉन डीएक्स क्या होता है मार्जिनल रेवेन्यू क्लियर है हर बच्चे को ऑल राइट बच्चों सेवेंथ क्वेश्चन पे आओ जरा 17th पे सॉरी क्या गिवन है हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ ए सर्कल विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस आर एट आर इज इक्वल टू 6 क्या फाइंड करना है क्या सब बच्चों को आता है 17th क्वेश्चन यस सर किसको नहीं आता किसको नहीं आता बच्चों सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर ठीक है रेडियस आपको गिवन है आर इज इक्वल टू 6 आपको फाइंड करना है रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल विद रिस्पेक्ट टू रेडियस सो किसको किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे सर डीए बाय डीआर
रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया फाइंड करना है तो एरिया को डिफरेंशिएट करेंगे सर, किस बी ऑप्शन में answer. करेंगे आर के रिस्पेक्ट में करेंगे, क्योंकि तो क्वेश्चन में बोला है कि हमें आर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू रेडियस फाइंड करना है, तो जाएगा 2 पाई आर। एंड क्वेश्चन में और क्या बोला है कि व्हेन dr व्हेन r इज इक्वल टू 6, बच्चों ये जो वैल्यू होती है डिफरेंशिएट करने के बाद में डालनी होती है, ठीक है। अगर आपने ये वैल्यू पहले डाल दी एट r इज इक्वल टू 6 तो एरिया तो कांस्टेंट हो जाएगा, फिर आप डिफरेंशिएट करोगे तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो ये वैल्यू डालनी होती है डिफरेंशिएट करने के बाद में, क्लियर है हर बच्चे को? यस सर। सो 12 पाई एरिया की यूनिट है सेंटीमीटर, रेडियस आपको सेंटीमीटर में गिवन है, सो एरिया भी सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा पर सेंटीमीटर। ठीक है, 18 क्वेश्चन बच्चों आपको खुद करना है होमवर्क में। एक मिनट ये चेंज मत कर। सर मैं पानी लेके आ रही हूं। सर हो गया। सर 18 क्वेश्चन होमवर्क है क्या? हाँ 18 क्वेश्चन होमवर्क आपका। नेक्स्ट है बच्चों इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस क्या होते हैं, कौन बताएगा? इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग भी है। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस क्या होते हैं, कौन बताएगा? आयशी तो मुझे नहीं पता। नहीं पता? अच्छा किस किसी क्लास में हो गया ये? तो मेरी क्लास में हो गया है बट मैंने ध्यान नहीं दिया था। आयशी आपकी क्लास में? नहीं तो हमारे में नहीं। और किस बच्चे का हुआ है? क्रिश रो नहीं सर नहीं हुआ। नहीं सर नहीं हुआ। नो सर नहीं हुआ। ओके देखो बच्चों इंक्रीजिंग फंक्शन, बच्चों एक बात बताओ, मैं एक ग्राफ बना रहा हूं, ये एक्स एक्सिस है ये वाई एक्सिस है, ठीक है। अगर हम लेफ्ट से राइट की तरफ, मान लो मेरे पास दो पॉइंट है, एक एक्स वन है और एक एक्स टू है, आप मुझे बता सकते हो एक्स वन और एक्स टू में से कौन सा ग्रेटर है? सर एक्स टू। एक्स टू ग्रेटर है, इट मीन्स एक्स वन स्मॉलर है एक्स टू ग्रेटर है, करेक्ट? यस सर। अच्छा आप मुझे बता सकते हो y1 और y2 में कौन ग्रेटर है? y2 ग्रेटर है, क्या मैंने ठीक लिखा है? यस सर। क्या आप बता सकते हो ये किसी फंक्शन का ग्राफ है? ठीक है ये किसी फंक्शन का ग्राफ है, क्या बता सकते हो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है ए पॉइंट के? सर एक्स वन वाई वन। बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है? बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? एक्स टू वाई टू। अच्छा बच्चों इसका क्या मतलब है, एक्स वन ये एक्स वन पॉइंट है ये वाई वन है, क्या मीनिंग है इसका? अगर ये किसी फंक्शन का ग्राफ है तो इसका क्या मीनिंग होगा, कौन बताएगा? मान लो मैंने एक फंक्शन ले लिया एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, अगर आप इसका ग्राफ बनाओगे तो कैसे बनेगा? एक्स को आप जीरो डालेंगे तो वाई जीरो आएगा, एक्स को वन डालेंगे तो वाई वन आएगा, एक्स को टू डालेंगे तो वाई टू आएगा, और जब आप इसका ग्राफ प्लॉट करोगे तो कैसा आएगा? इस टाइप का ग्राफ आएगा, है ना। वन पे फंक्शन की वैल्यू वन है, टू पे फंक्शन की वैल्यू टू है, थ्री पे फंक्शन की वैल्यू कितनी है? थ्री है। क्या हो रहा है यहाँ पर, क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं आप? हम ये ऑब्जर्व कर रहे हैं जैसे जैसे एक्स बढ़ रहा है एफ एक्स भी बढ़ रहा है ना, एक्स बढ़ रहा है तो एफ एक्स भी बढ़ रहा है, एक्स अगर बढ़ रहा है तो एफ एक्स भी बढ़ रहा है, क्या ठीक है? yes, हाँ
तो ऐसा फंक्शन जिसमें x के इंक्रीज करने के साथ y भी इंक्रीज करता है, अगर x इंक्रीज करता है तो y भी इंक्रीज करता है, y कहें या fx कहें एक ही बात है, ऐसे फंक्शन को कहा जाता है इंक्रीजिंग फंक्शन, राइट। अब इस इंक्रीजिंग में भी बच्चे दो कैटेगरी बन जाती हैं, जैसे एक तो मैंने ये ग्राफ बनाया है, एक दूसरा ग्राफ मैं बनाता हूं, जैसे ये ग्राफ है, ठीक है, इसमें अगर आप दो पॉइंट लेते हैं, जैसे एक पॉइंट आपने यहां लिया, एक पॉइंट यहां लिया, तो ऑब्वियसली x1 तो x2 से छोटा ही होगा, ठीक है। एंड जैसे मैं एक पॉइंट और ले लेता हूं, मान लो मैं x1 को भी किसी और जगह पे ले लेता हूं, जो डॉटेड लाइन है वहां ले लेता हूं, तो उस केस में क्या होगा, x1 लेस देन तो x2 रहेगा, लेकिन पहले तो मुझे फर्स्ट केस में बताओ, जैसे ये वैल्यू y1 है और दूसरे वाली वैल्यू क्या थी y2, तो y1 क्या होगा लेस देन y2 फर्स्ट केस के लिए, और सेकंड केस के लिए क्या होगा, x1 लेस देन x2 रहेगा लेकिन y1 इज इक्वल टू y2 हो जाएगा। क्या ही समझ आया? चलिए एक बार फिर से बता दो। मैंने बोला कि अगर मैं x1 को यहां पर ले लेता हूं, जो डॉटेड लाइन बनाई है, तो y1 और y2 दोनों वैल्यू तो बराबर होंगी ना, मतलब x1 पॉइंट पे जो वैल्यू आएगी वो y1 आएगी, yes, तो y1 भी y2 के बराबर ही हो जाएगा उस केस में, है ना, समझे आप ये बात? यस सर। सो इस फंक्शन में क्या है कि यहां पर y1 या तो y2 से छोटा रहता है या y2 के इक्वल हो जाता है, लेकिन ऊपर वाले में अगर फंक्शन में आप देखें तो y1 इज स्ट्रिक्टली लेस देन y2 है यहां पर, राइट बच्चे, ऐसे फंक्शन को कहा जाता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, strictly, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन जिसमें x के इंक्रीज करने के साथ y इंक्रीज करता है, राइट right? और इस फंक्शन को कहा जाता है इंक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग फंक्शन, राइट, जिसमें x के इंक्रीज करने के साथ y इंक्रीज भी कर सकता है, कांस्टेंट भी रह सकता है, राइट ये कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, और ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। बट इस बार एनसीईआरटी ने सारा थोड़ा कॉन्सेप्ट घुमा फिरा के लिख दिया, उन्होंने स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग दोनों ही मिला दिए, बट आप इसको ऐसे ही सीखो, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और इंक्रीजिंग क्या है, डिफरेंस समझ आया आपको दोनों में? इफ एक्स इंक्रीज करने के साथ इफ एक्स वन इज लेस देन एक्स टू एंड एफ एक्स वन इज स्ट्रिक्टली लेस देन एफ एक्स टू, इफ एफ एक्स वन इज स्ट्रिक्टली लेस देन एफ एक्स टू देन फंक्शन एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। क्लियर है बच्चों? ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, राइट, एंड इफ एक्स वन इज लेस देन एक्स टू एंड एफ एक्स वन इज स्ट्रिक्टली आइदर लेस देन और इक्वल टू एफ एक्स टू then function is increasing, तो function increasing होगा, जैसे कि ये function है, ठीक है, यहां पर x1 x के increase करने के साथ fx की value या तो increase होगी या constant रहेगी, ठीक है, ऐसे function को क्या कहेंगे, increasing function। क्लियर है? अच्छा बच्चों, जैसे ये फंक्शन है, इधर एफ एक्स और इधर एक्स, दिस पॉइंट इज एक्स वन, दिस पॉइंट इज एक्स टू,
और एक बार ये लिखने के बाद मेरे को फर्स्ट पॉइंट के खाते में लिखना है मेरे को। लिख लो बेटा फटाफट लिख लो। ओके यहाँ पर देखो जरा, यहाँ पर क्या है, x1 is smaller than x2 and fx1 is greater than fx2. x1 पॉइंट पे वैल्यू बच्चों बड़ी है, x2 पॉइंट पे वैल्यू छोटी है, मतलब x के इंक्रीज करने के साथ साथ फंक्शन की वैल्यू डिक्रीज कर रही है। ऐसे फंक्शन को क्या कहते हैं? स्ट्रिक्टली डिक्रीज, डिक्रीजिंग फंक्शन। Strictly decreasing function and थोड़ा गलत बना दिया, चलो ऐसे बना दिया। यहां पर x1 is less than x2 अगर हम देखें तो वैल्यू fx1 की वैल्यू क्या होगी? fx1 की वैल्यू या तो fx2 से बड़ी होगी या fx2 के इक्वल होगी, ठीक है। और ऐसे फंक्शन को कहा जाता है बच्चों डिक्रीजिंग फंक्शन। ऐसे फंक्शन को क्या कहा जाता है? डिक्रीजिंग फंक्शन कहा जाता है। ठीक है, चलो कना, सो व्हाट इज एंड स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन? सो व्हाट इज एंड स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन? सर जब एक्स बढ़ेगा तो वाई भी बढ़ेगा। दिस टाइप ऑफ फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। राइट, गुड। क्रिश यस सर, व्हाट इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन? सर इंक्रीजिंग फंक्शन में x2 is greater than x1 बट द फंक्शन ऑफ, नहीं बेटा नहीं, x2 is not greater than x1 is smaller than x2। ओके, छोटे वाला पॉइंट x1 है, बड़े वाला पॉइंट x2 है। सर वही बताओ सर, वैसे हो ना, मतलब x2 greater है तो x1 smaller हुआ। ऑल राइट ऑल राइट, आपने पहले बोल दिया, ठीक है, गुड गुड। यस सर, आगे बताओ। अगर सर x2 greater होता है और फंक्शन ऑफ x2 कैन बी ग्रेटर बट आल्सो इक्वल टू फंक्शन ऑफ x1। हां, fx2 कैन बी ग्रेटर, फंक्शन ऑफ x2 आर इक्वल टू fx1। यस, फंक्शन की वैल्यू x2 पॉइंट पे x1 के इक्वल भी हो सकती है और बड़ी और ग्रेटर भी हो सकती है। यस, ऐसे फंक्शन को कहेंगे इंक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग, बट उसको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं कर सकते। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग तब होगा जब x फंक्शन, हां फंक्शन सिर्फ ग्रेटर ही होगा, इक्वल नहीं होगा जब। हां आयशी, आपको समझ आया बेटा? यस सर। कीशा एंड रिया? यस सर। यस सर। त्रियांश? यस सर, क्लियर। अच्छा एक इंपॉर्टेंट बात, हमारे यहां से ना एक टॉपिक हटा दिया, पर हटाया नहीं था तब भी उसका कोई फायदा नहीं था क्योंकि वो एक्सरसाइज इसके बाद दी हुई थी। एनसीईआरटी लिखते हुए कोई सोचता ही नहीं है कि मतलब क्या लिख रहे हैं, आगे की एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट पहले यूज होता है, पर अब तो वो बिल्कुल ही हटा दिया। बच्चों ध्यान से सुनो बच्चों, पिछली क्लास में आप मुझे बताओ डीवाई बाई डीएक्स का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है? डीवाई बाई डीएक्स का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है, कौन बताएगा? ज्योमेट्रिक मीनिंग भी होता है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग इसका एक डेरिवेशन होता है। 12th वगैरह में तो नहीं करते, लेकिन जब हायर क्लासेस में जाते हैं तो आपको वहां पर समझाया जाता है सारा। तो इसका एक ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन भी होता है, और इसका ज्योमेट्रिकल डीवाई बाई डीएक्स का जो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन होता है
वो क्या रिजल्ट देता है हमें, ज्योमेट्रिकली डीवाई बाई डी एक्स रिप्रेजेंट स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब ये टॉपिक हमारे सिलेबस में है नहीं, स्लोप ऑफ टेंजेंट वैसे भी ये अगली एक्सरसाइज में था, अगर होता तो हम वहां पहले वो पढ़ के पीछे ही पढ़ लेते, बट मैं आपको इसका थोड़ा बेसिक सा बता देता हूँ। स्लोप ऑफ टेंजेंट, इस स्लोप ऑफ टेंजेंट के बारे में जानते हो आप, कौन जानता है? स्लोप ऑफ टेंजेंट सर कहीं तो पढ़ा है तो याद नहीं आ रहा। कक्षा 11th में आपने पढ़ा होगा स्लोप टेंजेंट की तो बात छोड़ो, मैं छोड़ चैप्टर में था कभी। अच्छा, हम स्लोप की बात करते हैं, स्लोप नहीं था, स्लोप की बात करते हैं, स्लोप तो था बेटा, टेंजेंट नहीं होगा शायद। देखो चलो फिर आप, अच्छा किया आपने मुझे याद दिला दिया, 10th में तो टेंजेंट था और 11th में स्लोप था, दोनों को मिला लो स्लोप ऑफ टेंजेंट 10th और 11th इकट्ठा करके आप 12th में आ जाते हैं, स्लोप प्लस टेंजेंट। देखो बेटा टेंजेंट को थोड़ी देर भूल जाओ, इसके तो बाद में करेंगे हम, स्लोप क्या होता है याद आया, m इज इक्वल टू टेन थीटा, m इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, यही स्लोप होता है कि कोई लाइन x एक्सिस के साथ किस एंगल से इंक्लाइंड है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस के साथ किस एंगल से इंक्लाइंड है, टेंजेंट ऑफ दैट एंगल इज स्लोप, करेक्ट? आई थिंक सबको याद आ गया होगा जहां तक मैं समझता हूँ, क्यों आई सी याद आया बेटा? यस सर। क्रिश याद आया भाई, एक लाइन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ एक्यूट एंगल या कोई भी एंगल पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज जो एंगल बना रही है, टेंजेंट ऑफ दैट एंगल उस लाइन का स्लोप होता है। और स्लोप निकालने का दूसरा फार्मूला था कि लाइन के ऊपर अगर दो पॉइंट दिए हैं तो वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन स्लोप होता है, क्लियर है? ठीक है, मैथमेटिशियंस के सामने प्रॉब्लम क्या थी बहुत सालों तक, क्या प्रॉब्लम थी? ये बेटा ये मुझे तो समझ आया नहीं क्या लिखा आपने, है भाई आयशी? चलो क्या करें हम बताओ जरा, देखो तो बच्चों जो dy by dx होता है, मैं बता रहा था कि उसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या है, ज्योमेट्रिकली dy by dx क्या रिप्रेजेंट करता है, स्लोप को रिप्रेजेंट करता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट को रिप्रेजेंट करता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब ये टेंजेंट क्या होता है, स्लोप क्या होता है? बच्चों हम जब स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे थे तो हम स्लोप फाइंड कर रहे थे क्लास 11th में, ठीक है, क्लास 11th में जब हम स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे थे तो हम स्लोप फाइंड कर रहे थे। स्ट्रेट लाइन का स्लोप फाइंड करना बहुत ईजी होता है, लेकिन मैथमेटिशियंस के सामने प्रॉब्लम थी बहुत सालों तक कि कोई कर्व आ जाए तो उसका स्लोप कैसे फाइंड करेंगे। तो कर्व का स्लोप क्या होता है, कर्व का स्लोप होता है कि कर्व के किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करो, कर्व के किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करो और इस टेंजेंट का जो स्लोप होगा, इस टेंजेंट का जो स्लोप होगा वही इस कर्व का स्लोप होगा इस पॉइंट पे, राइट? एंड जो डीवाई बाई डी एक्स होता है वो इस टेंजेंट का स्लोप होता है, ठीक है? dy by dx क्या होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। dy by dx इज स्लोप ऑफ टेंजेंट, ये तो बच्चों आपको जस्ट याद करने वाली बात है कि dy by dx स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है। अब एक बात और, ये कैसा कर्व है,
ये कोई बच्चा बता सकता है कैसा कर्व है? कौन बताएगा? सारे बच्चे चुप क्यों हो गए आज? तो लाइक कॉनकेव या कॉनवेक्स? नहीं नहीं वैसे नहीं, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के सेंस में बताओ बच्चों। सर इंक्रीजिंग है। इंक्रीजिंग। अगर मैं यहाँ पर इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करूं तो टेंजेंट कैसे बनेगा? यस। इस टेंजेंट का अगर आप स्लोप देखोगे तो क्या मिलेगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव, क्योंकि इस टेंजेंट ने एक्स एक्सिस के साथ एक्यूट एंगल बनाया है, तो टेंजेंट ऑफ एक्यूट एंगल क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो टेंजेंट थीटा ग्रेटर देन मिलेगा, ग्रेटर देन जीरो मिलेगा, स्लोप जीरो से बड़ा हो गया। ये ग्राफ इंक्रीजिंग है और इंक्रीजिंग ग्राफ के लिए बच्चों स्लोप पॉजिटिव होता है, और मैंने आपका बताया कि डीवाई बाई डी एक्स भी स्लोप होता है, तो डीवाई बाई डी एक्स क्या हो गया, ग्रेटर देन जीरो, करेक्ट? सो इंक्रीजिंग ग्राफ के लिए डीवाई बाई डी एक्स क्या होता है, ग्रेटर देन जीरो, क्योंकि डीवाई बाई डी एक्स होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट। इंक्रीजिंग ग्राफ के किसी भी पॉइंट पे, इंक्रीजिंग ग्राफ के किसी भी पॉइंट पे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो, ठीक है, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट ग्रेटर देन जीरो मिलेगा आपको, ठीक है। एंड अगर डिक्रीजिंग ग्राफ के लिए, ये कैसा ग्राफ है, डिक्रीजिंग ग्राफ है, डिक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ है, इसके किसी भी पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो तो देखो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा, ये टेंजेंट एक्स एक्सिस के साथ ऑब्ट्यूस एंगल बना रहा है, ठीक है, थीटा इज ग्रेटर देन 90, सेकंड क्वाड्रेंट में हो गया थीटा, टेंजेंट थीटा क्या होगा, लेस देन जीरो, यानी कि स्लोप इज लेस देन जीरो, नेगेटिव, और यू कैन से डीवाई बाई डी एक्स इज लेस देन जीरो। क्लियर हुआ? नहीं हुआ? किसी को भी समझ नहीं आया? देखो बच्चों, मैंने ये बताया है कि अगर कोई इंक्रीजिंग ग्राफ है, इंक्रीजिंग ग्राफ के लिए आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो, तो ये तो हो गया इसका टेंजेंट। इस ग्राफ का जो टेंजेंट है वो डीवाई बाई डी एक्स के साथ एक्यूट एंगल बना रहा है, तो टेंजेंट ऑफ एक्यूट एंगल पॉजिटिव होता है, 90 से छोटे के लिए टेंजेंट क्या होता है, पॉजिटिव होता है, क्योंकि 90 से छोटा एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में टेन थीटा पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव मीन ग्रेटर देन जीरो, टेन थीटा इज ग्रेटर देन जीरो, टेन थीटा ही तो स्लोप होता है, स्लोप को एम से डिनोट करते हैं, और स्लोप डीवाई बाई डी एक्स भी होता है, तो डीवाई बाई डी एक्स ग्रेटर देन जीरो। सो इंक्रीजिंग ग्राफ के लिए स्लोप ऑफ टेंजेंट यानी कि डीवाई बाई डी एक्स ग्रेटर देन जीरो होता है, ठीक है। अगर कोई ग्राफ ऐसे है पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, ठीक है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, कांस्टेंट है, इसके लिए आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो इसका टेंजेंट ऐसे ही बनेगा, टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा। और जब कोई टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है, या कोई भी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस होती है, तो उसका स्लोप जीरो होता है। एनी लाइन विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस हैज स्लोप जीरो, एनी लाइन विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस हैज स्लोप जीरो, राइट। तो कोई कर्व जब कांस्टेंट होगा तो वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा, और उसका डीवाई बाई डी एक्स क्या होगा, स्लोप जीरो होगा, उसके टेंजेंट का स्लोप जीरो होगा, यानी कि डीवाई बाई डी एक्स जीरो होगा, ठीक है। यानी कि जब आपका फंक्शन कैसा हो, इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग फंक्शन हो, तो इंक्रीजिंग फंक्शन के केस में डीवाई बाई डी एक्स या तो ग्रेटर देन जीरो होता है, या फिर डीवाई बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो होता है। लेकिन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के केस में, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के केस में डीवाई बाई डी एक्स ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो होता है। क्लियर है? यस सर, क्लियर है। अच्छा ये बताओ ये कैसा फंक्शन है? सर डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के केस में डीवाई बाई डी एक्स क्या होगा, कौन बताएगा? लेस देन जीरो।
लेस देन जीरो, डीवाई बाई डीएक्स होगा लेस देन जीरो, क्यों होगा कौन बताएगा, क्यों होगा? सर क्योंकि स्ट्रिक्टली है तो फिर उसमें एफएक्स इज ऑलवेज एफएक्स वन इज ऑलवेज लेस देन एफएक्स टू. वो तो बेटा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की डेफिनेशन होगी. देखो आप यहाँ इस कर्व पे किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करके देखो. हाँ तो वो हर टाइम डिक्रीजिंग ही होगा एंड इट विल बी लेस देन जीरो. देखो इस कर्व को, ये डिक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ है, इसके लिए हमने टेंजेंट ड्रॉ किया और टेंजेंट ऑफ एक्स एक्सिस के साथ ऑब्ट्यूस एंगल बना रहा है, ग्रेटर देन 90 एंगल बना रहा है, तो टेंजेंट थीटा क्या होगा, लेस देन जीरो, क्योंकि 90 से बड़े एंगल के लिए, ऑब्ट्यूस एंगल के लिए टेन थीटा नेगेटिव होता है. ठीक है, यानी कि स्लोप इज लेस देन जीरो, यानी कि डीवाई बाई डी एक्स इज लेस देन जीरो, डीवाई बाई डी एक्स इज स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है. एंड अगर आपका फंक्शन क्या है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ना होके डिक्रीजिंग है, तो ये तो हम देख चुके कि जो स्ट्रिक्टली पोर्शन होता है उसके लिए डीवाई बाई डी एक्स लेस देन जीरो होता है, जो जो पोर्शन एक्स एक्सिस के पैरेलल है उसके लिए डीवाई बाई डी एक्स जीरो होता है. तो ओवरऑल ऐसे फंक्शन में या तो डीवाई बाई डी एक्स जीरो से लेस रहेगा या जीरो के इक्वल रहेगा. ठीक है, सो बच्चों अगर आपको थोड़ा सा ये समझ आया तो फाइनल कंक्लूजन इसका ये बनता है, इफ एफ डैश एक्स या डीवाई बाई डी एक्स किसी पॉइंट पे अगर ग्रेटर देन जीरो है, किसी पॉइंट पे ग्रेटर देन जीरो है, ठीक है, तो फंक्शन क्या होगा, एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग. ठीक है, सेकंड इफ एफ डैश एक्स और डीवाई बाई डी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, जीरो है या जीरो से बड़ा है, तो एफ एक्स कैसा होगा, एफ एक्स इज इंक्रीजिंग फंक्शन. अगर बच्चों वो सारी कहानी आपको नहीं समझ आई तो ये आप पॉइंट याद रख सकते हो, इफ एफ डैश एक्स इज लेस देन जीरो और डीवाई बाई डी एक्स इज लेस देन जीरो, स्ट्रिक्टली लेस देन जीरो, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, एंड इफ एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो या फिर डीवाई बाई डी एक्स इज ग्रेटर देन सॉरी लेस देन इक्वल टू जीरो, देन एफ एक्स इज डिक्रीजिंग, एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली नहीं होगा बेटा इस केस में, तो मैंने डिक्रीजिंग बोला, डिक्रीजिंग, हाँ डिक्रीजिंग. ये चार पॉइंट आप याद रख सकते हो. ठीक है, चेंज कर लो बच्चों. यस सर. सर एक सेकंड में नोट कर रहा हूँ. यस सर, हो गया. तो किसी इंटरवल पे अगर फंक्शन का, जैसे ये फंक्शन है, फंक्शन का ग्राफ है बच्चे, यहाँ से यहाँ तक फंक्शन इंक्रीजिंग दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर डीवाई बाई डी एक्स ग्रेटर देन जीरो होगा. इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा. यहाँ पर अगर डीवाई बाई डी एक्स की बात की जाए तो इक्वल टू जीरो होगा. आगे के पोर्शन के लिए डीवाई बाई डी एक्स लेस देन जीरो होगा. ठीक है, चलो क्वेश्चंस पे आ जाओ बच्चों जरा. और ऐसे ही अगर ग्राफ ऐसा है, ठीक है, तो ये डिक्रीजिंग ग्राफ है यहाँ तक, ए पॉइंट तक, तो डीवाई बाई डी एक्स लेस देन जीरो होगा. ए पॉइंट पे अगर टेंजेंट ड्रॉ करें तो टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, यानी कि डीवाई बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो होगा. और ए के बाद क्योंकि ग्राफ का, फंक्शन का ग्राफ इंक्रीजिंग हो गया, तो डीवाई बाई डी एक्स ग्रेटर देन जीरो होगा. क्लियर है? एक दो क्वेश्चन करते हैं बच्चों, ताकि एक बार एक्सरसाइज की शुरुआत हो जाए. मुझे ऐसा लग रहा है, ऐसी फीलिंग आ रही है कि आज आपको समझ तो कमी आया है.
नहीं सर आ गया एफ एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 17 ये फंक्शन है क्वेश्चन पढ़ो फर्स्ट क्वेश्चन सो दैट फंक्शन दिस इज आपकी बुक में हो सकता है शायद इंक्रीजिंग ऑन आर लिखा हो मेरी बुक में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आर लिखा है शो दैट फंक्शन एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो रहा है बच्चों कोई फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कब होता है व्हेन डीवाई बाय डीएक्स इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 यस सर डीवाई बाय डीएक्स एफ डैश एक्स फाइंड करो बच्चों यहां एफ डैश एक्स और डीवाई बाय डीएक्स दोनों एक ही होते हैं एफ डैश एक्स क्या आएगा बच्चों 3 आया ठीक है व्हाट इज इट दिस इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 इस फंक्शन का डेरिवेटिव स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 है राइट स्ट्रिक्टली अगर एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 हो तो फंक्शन कैसा होता है स्ट्रिक्टली ग्रेटर implies fx कैसा है fx is strictly increasing सबके बुक में क्वेश्चन ऐसे ही है कुछ अलग है एक्सरसाइज 6.2 एक्सरसाइज 6.2 मेरी बुक में तो पेज नंबर अलग होगा क्या ऐसे ही है strictly increasing लिखा है नहीं सर अच्छा इंक्रीजिंग लिखा है पता नहीं इस बार एनसीईआरटी में क्या चेंज कर दिया उन्होंने 20 साल से तो मतलब यही चल रहा था मतलब 2004-06 से तो यही चल रहा था अब की बार उन्होंने स्ट्रिक्टली वर्ड हटा दिया चलो एनीवे आप दोनों आप ऐसा लिखेंगे तो आपका सम सही होगा एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आर जो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होता है वो इंक्रीजिंग तो होता ही है बट इंक्रीजिंग फंक्शन इज नॉट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सेकंड क्वेश्चन में बोला है एफ एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर 2x हमें ये शो करना है कि दिस फंक्शन इज अगेन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या इंक्रीजिंग ऑन आर एफ डैश एक्स क्या आएगा ई टू द पावर 2x इंटू 2 एफ डैश एक्स क्या होगा ई टू द पावर 2x इंटू 2 कौन बच्चा मुझे बता सकता है कि ये e टू द पावर 2x पॉजिटिव है या नेगेटिव पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा कौन बता सकता है सर ये पॉजिटिव होगा पॉजिटिव होगा यस सर नेगेटिव नहीं हो सकता x को माइनस डालें तो नहीं पता बच्चों ई क्या है ई पता है क्या होता है किसको पता है ई क्या होता है ई बच्चों एक इरेशनल नंबर होता है ई की वैल्यू कितनी होती है 2.718 समथिंग आगे इरेशनल नंबर होता है इसका डेसिमल फॉर्म ना तो टर्मिनेट होगा और ना ही रीअकर करेगा इरेशनल नंबर है ये ठीक है एनीवे ई एक पॉजिटिव नंबर होता है हमारे काम का यहाँ पर यही है कि ई एक पॉजिटिव नंबर होता है और पॉजिटिव नंबर की आप जो मर्जी पावर कर दीजिए माइनस इनफिनिटी से प्लस इनफिनिटी तक कुछ भी कर दीजिए पावर पॉजिटिव नंबर की वो कभी भी नेगेटिव नहीं होगा पॉजिटिव नंबर की आप कोई भी पावर करेंगे वो पॉजिटिव ही रहेगा सो दिस विल बी ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू आर मीन एक्स कुछ भी हो ई टू द पावर 2x विल बी ग्रेटर देन 0 सो फाइनली हमारा अगर ई पॉजिटिव है तो पूरा एफ डैश एक्स ही पॉजिटिव हो जाएगा इट मीन्स एफ एक्स इज इंक्रीजिंग या फिर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन ठीक है इतना ही करें या कुछ और कर लें राज ते रखो ओके चलो इतना ही करते हैं बच्चों को सर होमवर्क बस रिपीट क्लास होते ना नहीं रिपीट तो करना ही है ना बेटा सारा ही रिपीट करना है जितना भी क्वेश्चन हाँ वो कंटिन्यूटी का लास्ट क्वेश्चन बाय सर थैंक यू ओके बच्चों बाय 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 सर थैंक यू सर बाय बेटा बाय सर बाय बच्चों
कर लेना।